अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 5A सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 40 दैट्स रिगार्डिंग द इंक्वायरी एंड द सेक्शन 5A सब सेक्शन 2 इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द कलेक्टर ऑन द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय अ इंटरेस्टेड पर्सन, कि वहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन ने अगर कोई ऑब्जेक्शन किया है तो उसकी इंक्वायरी करेगा कि आया वो ऑब्जेक्शंस वैलिड हैं, जायज़ हैं या वाइड हैं, या दैट दे कैरी एनी वेट और नाट। सो वो अपने इंक्वायरी रिपोर्ट अपने रिकमेंडेशन के साथ सबमिट करवाएगी आगे। बट इन द इन केस ऑफ सेक्शन 40, वहाँ पे रिमेंबर 5A में दोनों पर्पस के लिए हो सकती है, फॉर द पब्लिक पर्पस और फॉर द कंपनी पर्पस। मगर जो सेक्शन 40 है वो सिर्फ और सिर्फ इट डील्स ओनली एंड ओनली विद कंपनी पर्पस, कि यहाँ पे हम कंपनी की बात करेंगे। और यहाँ पे किन किन चीज़ों पे इंक्वायरी होगी कि डेवलिंग हाउस डेवलिंग जो है वो रहायश ऑफ फॉर द वर्कमैन ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी के जो वर्कमैन है उनके रेजिडेंस के लिए ये चीज़ चाहिए, रहने के लिए रहायश पजीर होने के लिए ये चाहिए या नहीं। और या तो कोई कंपनी की बिल्डिंग है उस पर्पज़ के लिए इसे अक्वायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो ये टोटली डील्स द सेक्शन 40 टोटली डील्स विद द इंक्वायरी रिगार्डिंग द एक्विजिशन फॉर अ कंपनी ओनली। मगर इन सेक्शन 5A वहाँ पे दोनों आ सकते हैं, कंपनी पर्पज़ भी और पब्लिक पर्पज़ भी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की नीड, पब्लिक एट लार्ज या उसके वर्कमैन उनके डिवलिंग हाउस के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए इन्हें इंगेज करना है, इन्हें ये अक्वायर करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात के ऊपर इंक्वायरी होगी। नाउ वी हैव लास्ट पार्ट, पार्ट 8 मिसलिनियंस फ्रॉम सेक्शन 45, सर्विस ऑफ नोटिस। रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड सो मैनी नोटिसेस, जस्ट वन सेकेंड। राइट, वी हैव डिस्कस नोटिस अंडर सेक्शन 4, सेक्शन 6, सॉरी सेक्शन 5, सेक्शन 9 एंड अदर नोटिसेस, सो ऑन। सो हाउ नोटिस विल बी सर्व्ड, द क्वेश्चन इज दैट Service of any notice under this act shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed in case of notice under section 4 by officer therein mentioned, and in the case of any other notice by the order of collector or the judge. के इसमें क्या है कि नोटिस या तो जज या कलेक्टर के सिग्नेचर के साथ उस बंदे को नोटिस की कॉपी दी जाती है। अगर सेक्शन 4 में है तो सेक्शन 4 में जो भी ऑफिसर है उस ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ नोटिस की कॉपी दी जाएगी, अदरवाइज या तो कलेक्टर या कलेक्टर के आर्डर या जज के आर्डर के मुताबिक नोटिस इशू किया जाता है और उस बंदे को पर्सनली सर्व किया जाएगा। वेन एवर इट मे बी प्रैक्टिकेबल द सर्विस ऑफ नोटिस शैल बी मेड ऑन द पर्सन देयर इन नेम्ड, अगर ये मुमकिन है तो उसी बंदे के ऊपर सर्व किया जाएगा। अगर ये मुमकिन नहीं है कि उसी बंदे को हम ये नोटिस सर्व करें, तो कोई भी अडल्ट मेल मेंबर ऑफ फैमिली जो कि उनके साथ रहता हो उन्हें दे देंगे। अगर वो भी नहीं मिल रहे तो हम उसके दरवाजे के बाहर एक कापी लगाएंगे जहाँ पर वो ऑर्डनरी तौर पर या तो रहता हो या बिजनेस करता हो, या किसी ऐसी नुमाया जगह पे हम एक कापी लगा देंगे उस नोटिस की, ताकि वो बंदा देख सके और जो कि कलेक्टर या वो ऑफिसर जो है जिसने वो नोटिस इशू किया है उसके कोर्ट रूम, कोर्ट है, ऑफिस है, जो भी है, उसके बाहर भी लगा देंगे कि भाई इस बंदे को ये नोटिस इतला दी जाती है। तो ये तीन चार तरीक़ेकार हैं इनको नोटिस डिलीवर करने के। और अगर जज या कलेक्टर ये कहता है कि भाई आपने थ्रू पोस्ट,
थ्रू कोरियर नोटिस डिलीवर करें तो हम उनके थ्रू भी उन्हें नोटिस डिलीवर करेंगे। अब रिमेंबर कि सबसे पहले हमारी प्रेफरेंस या प्रैक्टिकेबिलिटी अगर है तो हम उसी बंदे को नोटिस देंगे जिसका नाम उसमें मेंशन किया गया हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो किसी भी अडल्ट मेल मेंबर जो कि उसके साथ रहता हो। नंबर टू, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो उसके आउटर डोर के ऊपर अफिक्स करेंगे, लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे, जहाँ पे वो या तो बिजनेस करता हो या फिर रहता हो। और अगर ये भी नहीं है या ये भी करने के बाद हमारे पास और भी अख्तियार आता है कि हम एक नुमाया जगह पे भी पेस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पे भी नोटिस लगाएंगे कि भाई आपको इस नोटिस के जरिए इतला दी जाती है कि आप फलां दिन फलां फलां जगह पे आप आके पेश हो जाएं। वहाँ पे भी नहीं है तो अगर कोर्ट का आर्डर है तो हम कोर्ट रूम के बाहर लगा देंगे, अगर कलेक्टर का आर्डर है तो कलेक्टर के ऑफिस के बाहर लगा देंगे, और अगर वो कलेक्टर या जज ये परमिट कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई आप इन्हें कुरियर के थ्रू भेज दें तो हम उन्हें कुरियर के थ्रू भी भिजवा देंगे। अब ये जो नोटिस है वो इशू कौन करेगा, उसके ऊपर साइन कौन करेगा, सेक्शन 4 को छोड़ के बाकी जो भी नोटिस हैं उन्हें या तो कलेक्टर साइन करेगा या फिर जज साइन करेगा खुद, या अपने डायरेक्शन पे जज के डायरेक्शन पे होंगे या कलेक्टर के डायरेक्शन पे साइन होंगे। जो सेक्शन 4 है वहाँ पे हम जिस ऑफिसर को ऑथोराइज कर रहे हैं, आया वो कंपनी का ऑथोराइज पर्सन है या फिर वो कलेक्टर है या कोई और ऑथोराइज पर्सन है, सो वो सेक्शन 4 की नोटिस में उसके सिग्नेचर होंगे। और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे दिए जाएंगे वो सारी डिटेल हमने डिस्कस कर ली है। देयर आफ्टर वी हैव सेक्शन 46 पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एक्विजिशन ऑफ द लैंड, कि अगर इफ एनी पर्सन विलफुली एब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन फ्रॉम डूइंग एनी लॉफुल एक्ट एज ऑथोराइज अंडर सेक्शन 4 और 8 टू इंटर आर डिग और मेक मेजरमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सो इफ एनी पर्सन एब्स्ट्रक्ट आर रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम डूइंग लॉफुल ड्यूटी देन ही मे बी पनिश्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ मैक्सिमम 1 month एंड फॉर रुपीज नॉट एक्सीडिंग 50, के या तो उसे हम 1 महीने की सजा देंगे या ₹50 का जुर्माना लगाएंगे, 50 तक का जुर्माना लगाएंगे या 1 महीने तक की सजा देंगे, या दोनों भी दे सकते हैं। किस बंदे को? जो बंदा हमें एब्स्ट्रक्ट करे, रिस्ट्रेन करे, हमें काम करने से रोके, हमारे काम में दखलअंदाजी दे। किसके काम में? जो कि सेक्शन 4 या सेक्शन 8 के तहत ऑथोराइज किए गए हैं कि भाई आप किसी भी जगह के अंदर जा सकते हैं, आप डिगिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे मेजरमेंट्स कर सकते हैं, आप वहाँ पे बाकी ये ABC XYZ जो भी हैं वो सारे आप मेजरमेंट्स कर लें। मैजिस्ट्रेट टू इन्फोर्स सरेंडर। अब इस सिचुएशन में ये है कि वैसे तो हमने जनरली यही कहा कि कलेक्टर के पास ये अख्तियार है कि वो पोजेशन ले ले जमीन की। अब यहाँ पे कलेक्टर खुद अपोज कर रहा है या कलेक्टर को पोजेशन नहीं लेना है, या पोजेशन जो है वो खुद कलेक्टर से लिया जा रहा है, या ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम ये कह रहे कि कलेक्टर हमसे ये जमीन ना ले, सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करेंगे तो मैजिस्ट्रेट के डायरेक्शन और उसके काइंड सुपरविजन के मुताबिक ही जमीन को सरेंडर किया जा सकता है। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव सेक्शन 48 कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन नॉट कंपल्सरी बट कंपनसेशन टू बी अवार्डेड व्हेन नॉट कंप्लीटेड। अब सिचुएशन ये अराइज हो रहा है नाउ एक जमीन है वो अक्वायर कर रही है, कौन? कलेक्टर या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जनाब इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे एक
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बाईपास बना रहे, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, ठीक, फॉर द सेक ऑफ आर डिस्कशन। सर आपकी आवाज़ कट रही है बहुत, बासित आवाज़ कट रही है क्या? सर मोवट क्लियर आ जेवट कंटिन्यू नहीं तो नॉट नेटवर्क जो इशू हो जी मे बी ओके। जी सर। अब सेक्शन 48 में ये है कि हमने पहले बीइंग अ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, हमने एक ज़मीन अक्वायर की है, अभी तक हमने पोजीशन नहीं ली है, बट हमने सेक्शन 4 की कार्रवाई मुकम्मल कर ली, 5 की कर ली, 5A की कर ली, सेक्शन 6 की कर ली, डिक्लेरेशन हो गई, मेजरमेंट हो गई, सब कुछ हो गया। ये हम किस लिए कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे रेलवे ट्रैक बनाएंगे ताकि रेल या ट्रेन जो है वो यहाँ से गुजरे। अब मीनवाइल ये हुआ कि हमने हमें दूसरा एक सूटेबल जगह मिल गया ट्रेन के ट्रैक बनाने के लिए, या यूं हुआ कि रेलवे मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया कि भाई रेल की पटरियाँ जो पुरानी हैं हम उनकी मरम्मत करेंगे, नई पटरी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के पास ये अख्तियार होगा, वो लिबर्टी होगी, उसके पास आज़ादी होगी कि वो किसी भी वक्त उस लैंड को विथड्रा कर सकता है। उस लैंड को विथड्रा करेगा तो डेफिनेटली मेरे जो हार्म हुआ है, डैमेजेस हुए हैं, नुकसान मुझे हुए हैं, सो वो मुझे कंपनसेशन पे करेगा। फॉर एग्जांपल मेरी वहाँ से ज़मीन खड़ी थी, फसल उगी हुई थी, उन्होंने मेरी फसल काट दी, तो मेरी मुझे कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन मैं ये ज़बरदस्ती या ये फोर्स मैं उनके ऊपर नहीं कर सकता कि आपने पहले इतना 1-2 महीने लगा दिए, या फॉर एग्जांपल 1 साल पूरा मेरा वेस्ट कर लिया, तो अब आप ये ज़मीन हर हाल में अक्वायर करें, नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की लिबर्टी में है कि वो अगर विथड्रा कर रहा है तो वो कर सकता है, मगर वो कंपनसेशन पे करने का बाउंड है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 36, जो कि सेक्शन 36 में हम किसी भी जगह पे इंटर होते थे, पोजीशन लेते थे, ठीक, और उसके बाद कंपनसेट करते थे उसके रेस्टोरेशन पे, उसको वापस करने पे हम उन्हें कंपनसेट करते थे। सर कैन यू प्लीज रिपीट सेक्शन 47? यस, सेक्शन 47 में ये है कि अगर कलेक्टर अपोज कर रहा है या कलेक्टर के एक्ट को अपोज किया जा रहा है, दो बातें हैं। अब ये भी तो ज़रूरी नहीं कि कलेक्टर की ज़मीन हम अक्वायर ना करें, कलेक्टर की ज़मीन आ रही है लेकिन कलेक्टर अपोज कर रहा है कि भाई ये ज़मीन अक्वायर ना करे, या एक ऐसी ज़मीन है जो कि फॉर एग्जांपल मेरे घर से आ रहा है लेकिन कलेक्टर ये चाह रहा है कि इद्रीस के घर से बाईपास करके मैं अपने घर के करीब से लेके जाऊं ताकि मुझे कंपनसेशन मिले, और वो अपोज कर रहे, तो मैं मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करूंगा कि कलेक्टर साहब जो है वो मेरी ज़मीन नहीं ले रहा है, आप मेरी ज़मीन ले लें, मैं सरेंडर कर रहा हूँ ज़मीन। सो वो इन्फोर्स करेगा सरेंडर को, ज़मीन की सरेंडर करने को वो इन्फोर्स करवाएगा, या तो खुद या अपने डायरेक्शंस के जरिए। इज इट क्लियर? यस सर। थैंक यू। ओके, नाउ वी हैव सेक्शन 49, एक्विजिशन ऑफ पार्ट ऑफ हाउस और बिल्डिंग। नाउ सिचुएशन अराइज कि ये जो लैंड अक्वायर किया जा रहा है वहाँ पे हमारा एक घर, मेरा घर जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, या एक बिल्डिंग है उसको भी अक्वायर किया जा रहा है। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, और आजकल इसी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहे हैं, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू रीड दिस सेक्शन वर्ड बाय वर्ड। सर आज के लिए काफी है। चले 49 पढ़ लेते हैं, उसके बाद काफी कर लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी पुट इन फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ अक्वायरिंग अ पार्ट ओनली ऑफ एनी हाउस, मैन्युफैक्ट्री आर अदर बिल्डिंग
इफ द ऑनर डिजायर्स दैट द होल ऑफ सच हाउस मैन्युफैक्चर आर बिल्डिंग शैल बी सो अक्वायर्ड। अब यहाँ पे ये है कि मेरे घर का एक टुकड़ा, एक पार्ट, या एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, या मेरा घर, कोई आप एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि मेरा घर है, उसका आधा हिस्सा जो है वो अक्वायर हो रहा है। अब अगर वो आधा हिस्सा मेरे घर का अक्वायर करेंगे तो डेफिनेटली मुझे अपनी पूरी बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी। या वो अब ये गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भाई हम तो आधे का, आधा हमें ज़रूरत है, हम तो आधा ही अक्वायर करेंगे, बाकी जो आपकी ज़मीन है, बाकी जो आपका घर है, बिल्डिंग है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। नहीं, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो या तो ना करें अक्वायर, अगर जो ऑनर है वो अगर विलिंगली, विलिंगनेस है, तो फिर कंप्लीट अक्वायर करेंगे घर को, कंप्लीट बिल्डिंग अक्वायर करेंगे, एक पार्ट या एक हिस्सा नहीं करेंगे। Provided that the owner may at any time before the collector has made his award under section 11 by notice in writing withdraw or modify his expressed desire that the whole of such house or building shall be so acquired. So, जब तक उसे award नहीं मिलता या award का notice issue नहीं हुआ तो वो collector को application दे के अपनी desireness, अपनी willingness को withdraw कर सकता है कि भाई मैं अपने complete house को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा या बिल्डिंग मेरी आप ना ले लें। प्रोवाइडेड आल्सो दैट इफ एनी क्वेश्चन शैल अराइज एज टू वेदर एनी लैंड प्रपोज टू बी टेकन अंडर दिस एक्ट डज और डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ हाउस मैन्युफैक्चरर आर बिल्डिंग विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन द कलेक्टर शैल रेफर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच क्वेश्चन टू द कोर्ट एंड शैल नॉट टेक पोजेशन ऑफ सच लैंड अंटिल आफ्टर द क्वेश्चन हैज बीन डिटरमाइंड। अब आया ये जो बिल्डिंग है, अब मेरी एक खाली बिल्डिंग खड़ी है, ना मेरे इस्तेमाल में है ना कुछ। मुझे पता था कि यहाँ से बाईपास बनेगी, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो आया ये बिल्डिंग सेक्शन 49 के अंदर फॉल करता है या नहीं? अगर कलेक्टर कह रहा है कि भाई ये तो आपकी खाली बिल्डिंग है, इसे हम गिरा देंगे और आपको इसका कंपनसेट करेंगे, मगर हम पार्ट जो है, एक आधा हिस्सा जो है वो अक्वायर करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं जनाब, ये तो मेरी बिल्डिंग है और सेक्शन 49 में ये वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि कोई भी बिल्डिंग हो तो उसका आप पार्ट डिमोलिश करके पार्ट अक्वायर नहीं कर सकते। सो कलेक्टर विल रेफर दिस मैटर टू द कोर्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन वेदर दिस बिल्डिंग फॉल अंडर द एबिट ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 आर नॉट। सो जब तक कोर्ट इसे डिटरमिन नहीं करेगी, तब तक कलेक्टर हमारी ज़मीन को अक्वायर नहीं कर सकेगी। एंड डिसाइडिंग ऑन सच रेफरेंस द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द क्वेश्चन वेदर द लैंड प्रपोज टू बी टेकन इज रीजनेबली रिक्वायर्ड फॉर द फुल एंड अनइम्पेयर्ड यूज ऑफ द हाउस मैन्युफैक्चर आर द बिल्डिंग। इस ज़मीन को अक्वायर करने के लिए, इस क्वेश्चन को डिटरमिन करने के लिए कोर्ट क्या कंसिडर करेगी कि ये जिस ज़मीन को, क्या हम ये जो ज़मीन अक्वायर कर रहे हैं या ये जो हमारा प्रपोजल है टू अक्वायर द लैंड या बिल्डिंग, वहाँ पे क्या ये कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर बिल्डिंग जो है वो कम्प्लीटली इस्तेमाल हो रहा है हाउस के लिए, बिल्डिंग के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा या नहीं। अब फॉर एग्जांपल मेरे दो कमरे हैं, एक में तो मैं रहता हूँ, दूसरा मैंने एमए बना के रखा हुआ है, और वो कह रहे कि हम आपका एक कमरा जो है जिसमें आप नहीं रहते हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जहाँ पे आप रह रहे हैं हम आपके उस ज़मीन को हाथ नहीं लगाएंगे। सो मैं कहता हूँ कि नहीं जनाब, ये जैसे भी है तो मेरा घर, या तो आप कंप्लीट अक्वायर करें या फिर कुछ भी ना लें। तो फिर इस क्वेश्चन को डिटरमिन करेगी कोर्ट कि आया जो बिल्डिंग है, ज़मीन है, इसे कम्प्लीटली हाउस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है या इसे सिर्फ और सिर्फ खाली बिल्डिंग ही तसव्वुर किया जा रहा है। इफ़ इन द केस ऑफ एनी क्लेम अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 थर्डली बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ सर्विंग
ऑफ द लैंड टू बी अक्वायर्ड फ्रॉम हिज अदर लैंड द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू इज ऑफ ओपिनियन दैट द क्लेम इज रीजनेबल आर एक्सेसिव He may at any time before the collector has made his award order the acquisition of the whole of land of which the land first ought to be acquired from a part. So, ऐसी कोई ज़मीन है कि आप मेरी ज़मीन acquire कर रहे हैं मेरे for example आप ज़मीन acquire कर रहे हैं यूँ समझ लें कि अपना high court लेकिन आपको पता है कि आपको हाई कोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मिठाराम को क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो फिर आप क्या करेंगे आपको ये लग रहा है कि अगर हम इन्हें इतनी कंपनसेशन देंगे जो कि इसके अक्वायर करने से भी ज़्यादा है तो अवार्ड देने से पहले पहले एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू उन्हें यह भी डायरेक्शन दे सकता है कि भाई आप इसे कम्प्लीटली अक्वायर कर लें या फिर इसका पार्ट जो है वो आप अक्वायर कर लें ठीक इन केस लास्ट ईयर एंड बिफोर प्रोवाइडेड फॉर नो फ्रेश डिक्लेरेशन आर अदर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 6-10 बोथ इंक्लूसिव शैल बी नेसेसरी बट द कलेक्टर शैल विदाउट डिले फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू टू द पर्सन इंटरेस्टेड एंड शैल देयर आफ्टर प्रोसीड To make his award under section 11. So, अगर हम उस जमीन को अक्वायर कर रहे हैं मतलब के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को मिठाराम को हम अक्वायर कर रहे हैं तो वहां पे हमें सेक्शन 6 में जो डिक्लेरेशन है 6, 7, 8, 9, 10 हमें इनकी प्रोसीडिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है हम डायरेक्ट क्या करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको सुनने के बाद हम डायरेक्ट सेक्शन 11 में उन्हें अवार्ड देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने एक डिक्लेरेशन हम ऑलरेडी डिक्लेरेशन कर चुके हैं इज इट क्लियर अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लें मैं तो कहता हूं कि ये 4-5 सेक्शन है और ये कवर कर लेते 5 मिनट हैं हमारे पास चलें ये फिर कल करते हैं इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चंस नो एनी क्वेश्चन ओके अल्लाह हाफिज़